बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और आपकी तबीयत नेक मतलूब चाहता हूँ जी। मैं यहाँ पे हूँ अपनी छत पे, आप देख सकते हैं कि ये छत से नीचे का व्यू कैसा लग रहा है। ये देखें जी, तो मैं छत पे आया हूँ अभी। जैसे कि सर्दियों का मौसम आ गया है तो मैं यहाँ छत पे आया हूँ। यहाँ गर्मियों में पहले तो अंदर बैठना पड़ता था और टीवी वगैरह नहीं देखा जाता था, तो आजकल कुछ मौसम ऐसा है कि अंदर थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया। तो मैं ये ज़रा देखने, ये देखिए इसकी तारें वगैरह निकली पड़ी हैं, सारा कुछ ये ख़राब हुआ पड़ा है। यहाँ पे लगा तो दूँ, यार उसने निकाल दिया है अभी। यहाँ पे लगा तो दूँ मगर ये मेरा ख्याल है कि शायद सही चले, क्योंकि ये देखिए ये हिल रहा है। ये देखें सारा ये भी हिल रहा है और ये भी, तो इसलिए ये ना हमने गर्मियों में कभी ऐसे नहीं देखा, टीवी वगैरह कभी नहीं लगाया, तो बच्चे भी कार्टून वगैरह बस मोबाइल पे देख लेते हैं, तो वैसे भी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी कि अंदर गर्मी में बैठना ज़रा मुश्किल लगता है और बाहर लॉबी में या बरामदे में नहीं रखा टीवी, तो इतना शौक ही नहीं है। तो अभी सर्दियाँ हैं तो अंदर बैठना तो होता ही है। इस सिलसिले में ना ये आया हूँ ज़रा मैं छत पे, तो मैंने कहा जिसे देखा तो सही, ये क्या इसका सीन है और इसे क्या कैसे सही कराना पड़ेगा। या हमारे साथ वाले गांव में एक लड़का है, उसे मैं पहले भी एक दो बार ना हुआ था ये ख़राब, तो मैं उससे लेके आया था, तो अभी भी मैं उससे रابطہ करूँगा। वो उसे ना सेट वगैरह करने के कुछ पैसे लेगा, तो इसे करवाते हैं सेट। तो ऐसा है कि मैं 2-3 दिन हो गए मैंने यहाँ नेट पे थोड़ा सर्च की, तो वहाँ से मुझे कुछ पता चला। यानी कि मैंने एक वीडियो देखी थी एक बंदे की, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली कि आप सब भाई सब के ज़रिए सब्सक्राइबर ले सकते हो। तो मैंने भी ऐसे किया, मैंने उसने जैसे वो लिंक दिया था फेसबुक पे कि आप 2-3 बड़े ग्रुप हैं वो ज्वाइन करें और उसके बाद आप उसमें पोस्ट में अपनी पोस्ट लगाएं सब भाई सब की। तो मैंने ऐसे किया, मैंने तकरीबन एक दिन ऐसे किया, 3-4 घंटे यानी कि मैंने ऐसे अपने ना फालतू खर्च किए। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ना ये सब्सक्राइब तो बढ़ते हैं। मैंने चेक किया तो मेरे ना तकरीबन एक दिन में 10 से 15 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ गए, तो मैं बहुत खुश था। मगर उसके बाद मैंने थोड़ा महसूस किया, मैंने ना सुबह गौर किया कि उसमें से ना 1-2 कम हो गए। फिर मैंने कहा ये मुझे इन सब्सक्राइबर का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सब्सक्राइबर हैं जो मेरे ज़बरदस्ती, यानी कि मैंने उन्हें सब्सक्राइब किया तो वो भी मुझे सब्सक्राइब किया, तो ऐसे करके ये बढ़े हैं। तो उन लोगों में मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं या मुझे उनकी वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए ये ज़बरदस्ती के जो सब्सक्राइबर होते हैं ये तो बस ऐसे फॉर्मेलिटी होती है। तो इसलिए मैंने फिर वो देखा कि वो सब्सक्राइबर ज़्यादा होने की बजाय कम हो रहे, तो फिर मैंने वो ग्रुप दोनों लीव कर दिए। 2 ग्रुप मैंने ज्वाइन किए थे, वो दोनों ग्रुप मैंने लीव कर दिए। तो मैंने ये महसूस किया कि ना ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो जेन्युइन सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो आपके वही सब्सक्राइबर होते हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपकी वीडियो देखना चाहते हैं आपके, यानी कि आपको फॉलो करते हैं, आपके माहौल उन्हें पसंद आया है या आपकी यानी कि जो भी यानी कि है आपकी वीडियो जैसे भी है उन्हें पसंद आई है, तो फिर उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया और फिर वो आपको देखना चाहते हैं। और पक्के सब्सक्राइबर वही होते हैं जो आपको देखना चाहते हैं। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि जो भी लोग ऐसे करते हैं ना, ये ऐसे फालतू काम, ये सब बेसब करने वाले, या किसी को ऐसे झांसा देना कि मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ आप मुझे सब्सक्राइब करो, 1 सब्सक्राइब के बदले 2 सब्सक्राइब 5 के बदले 10, ये वो, ये सारे लालच की और ऐसे फालतू बातें हैं सारी। तो आ तो मैं भी इनमें गया था मगर मैंने महसूस किया ये फारग है सब। तो ऐसे इन चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय आप अपने चैनल पे फोकस करें और आप अपने चैनल को ग्रो करने के लिए अपनी मेहनत करें, जेन्युइन से मेहनत करें, ताकि आपके सब्सक्राइबर, आपके लाइक्स, व्यूज़ जो भी हों वो आपके जेन्युइन हों, आपको आप माइंडली तौर पे यानी कि सेटिस्फाई हों उनसे कि ये लोग ना मुझे लीव नहीं करने वाले, चाहे कम हो ज़्यादा हो उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। तो ये है कि अपना ना इधर उधर टाइम मत ज़ाया करें। तो मैं वैसे तो आया था यहाँ पे छत पे, तो एक तो ये था मैंने देखना था डिश को क्या चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम है,
तो इसमें मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आई, मगर ना ऐसे जब बच्चे छत पे आ जाते हैं तो फिर ये ना बच्चे इसे छेड़ते हैं, तो इसकी तारें वगैरह निकल गई थी। मैंने लगा के कोशिश की है मगर ना ये चला नहीं, तो अभी बस ये पड़ा है। तो सुबह मैं लेके आऊँगा उस बंदे को और उससे कहूँगा कि ये लाजमी ठीक कर दे, क्योंकि अभी फिर बच्चे वगैरह भी कार्टून देखते हैं तो फिर इन्हें भी ज़रा होता है कि चलो बैठे हैं 2 मिनट, ये तंग नहीं करते ज़ाहर है। तो ख़ुद भी अगर बंदा कभी बोर हो रहा हो तो इंटरटेन हो जाता है। वैसे तो मोबाइल पे ज़्यादा टाइम गुजर जाता है जो मैं गुजारना भी नहीं चाहता। गिर गया, गिरे ना आप, पंगे ले रहे हो तो फिर गिरना तो है। ये क्या कर रहे हो, पंगे ले रहे हो, पंगे हैं, गिरोगे तो सही। क्या पंगे ले रहे हो, गंदा बच्चा, पंगे लोगे फिर गिरोगे तो सही। ये जी बस बहुत तंग करता है, माशाल्लाह बहुत तेज़ बच्चा है हरस ना, बहुत जहीन भी है और बहुत तेज़ बच्चा है। तो मैं बस यही दुआ करता हूँ कि आप भी दुआ करें कि ये पढ़ाई में अच्छा हो। वैसे तो माशाल्लाह ना ये बहुत, इसकी एक्टिविटीज़ और इसकी हरकतें बताती हैं कि बहुत शार्प है, तो अल्लाह करे इसका माइंड ज़रा पढ़ाई की तरफ चल पड़े तो फिर बस इंशाल्लाह ये इम्प्रूव हो जाएगा। अल्लाह से बेहतरी की दुआ ये है आपके बच्चों के लिए भी, और आप भी हमारे बच्चों के लिए कर दीजिए। तो ये मैं देखें आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे वो वहाँ तक सारे बरसेम का चारा लगा हुआ है, ये देखें जी। ये हमें मौज ये है कि हमारे घर के सामने सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, यानी कि गन्ने भी, छलियाँ, वो देखो वो छलियाँ लगी हुई हैं। तो ये जो मेरा दोस्त है सुभान, ये ज़मीन उसकी है, ये वाली सामने वाली, तो वो देखें वो सामने उनकी छलियाँ वगैरह लगी हुई हैं, यानी कि अपना मुरब्बा वो वहाँ दूर है, वो उधर है बहुत ज़रा आगे है, जहाँ पे मैं अमूमन आपको दिखाता रहता हूँ, विज़िट करवाता रहता हूँ, तो वो ज़रा दूर है, इसलिए ना जो भी तो गन्ने वगैरह यहाँ से फिर ले लेते हैं। तो वो देखें कुछ लोग अभी चारा काट रहे हैं शाम के लिए, उन्होंने यानी कि अपने जानवरों को भी डाल के, तो फिर दूध वगैरह निकालना होता है। तो ऐसे ये देखें, नीचे देखें, ये आज खाला भी चल रहा है नीचे, तो ये दरख्त माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो आरस भी मेरी कापी कर रहा है कि नीचे खाला भी चल रहा है, हम ऊपर आए हुए हैं। तो व्यूअर्स आपने देखा कि यहाँ पे ये क्या है और क्या सीख रहा है और इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। तो मुझे, मेरा आपसे यानी कि वीडियो बनाने का मकसद तो यही था कि आपसे कुछ गपशप हो जाए। तो वैसे तो माशाल्लाह आप सारे मुझसे सीनियर हैं, और जो मुझसे जूनियर भी हैं उनके लिए भी, और जो मुझसे सीनियर हैं उनके लिए भी यही है कि अपना ना इधर उधर ये सब ये वो इधर उधर अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय अपने चैनल पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें। तो इसी पैगाम के साथ मैं अपनी वीडियो करता हूँ एंड। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।